हाय फ्रेंड्स, आज हम रस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आपको एक ऐसा सब्सक्राइब का आइकॉन दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा चैनल था या फिर ये कंटेंट कहाँ मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो चैनल का नाम है एग्जाम गुरु, इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन, अगला जो मैं छंद और अलंकार का जो है वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं रस। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से बने भाव को रस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से बने भाव को रस कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर रस की निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं जिनसे रस की जो है निष्पत्ति हुई है। ठीक है, तो पहला है स्थायी भाव, ठीक है, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो इन सब से मिलकर जो है क्या हुआ है, रस बना हुआ है। ठीक है, तो इन सबके संयोग से जो है रस की उत्पत्ति हुई है। किनके? स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव। तो हम पहले चर्चा करते हैं स्थायी भाव पे। हम जानते हैं कि स्थायी भाव होता क्या है। तो मानव हृदय में कुछ भाव जो है वो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो मानव हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही जो है वो रस कहलाती है। ये नौ हैं, अतः रस भी जो है नौ प्रकार के हैं। तो स्थायी भाव जो है वो नौ प्रकार के हैं। ठीक है, इसलिए जो है रस भी कितने प्रकार के हैं? नौ प्रकार के। तो हम देखते हैं कौन सा स्थायी भाव किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर स्थायी भाव रति है, ठीक है, तो वो श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है, अगर स्थायी भाव जो है वो हास है तो वो हास्य रस से संबंधित है। अगर स्थायी भाव जो है वो शोक है तो वो करुण रस से संबंधित होगा। ठीक है, अगर स्थायी भाव जो है वो उत्साह है तो वो वीर रस से संबंधित होगा। और अगर स्थायी भाव जो है क्रोध है तो वो रौद्र रस से संबंधित होगा। ठीक है, अगर स्थायी भाव भय है तो वो भयानक रस से संबंधित होगा। अगर स्थायी भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा है तो वो विभत्स रस से संबंधित होगा। ठीक है, और अगर स्थायी भाव जो है विस्मय है तो वो अद्भुत रस से संबंधित होगा। और अगर स्थायी भाव निर्वेद है तो निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, तो वो शांत रस से संबंधित होगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, पूछता है कि श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है, या फिर पूछ लेगा जो है उत्साह जो है स्थायी भाव जो है उत्साह वो किस रस का जो है स्थायी भाव है। ठीक है, तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक होगा। इसलिए इस पूरे चार्ट को आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अगला है विभाव। ठीक है, तो अभी हमने मतलब स्थायी भाव पे चर्चा की। ठीक है, अगला है विभाव। तो विभाव क्या होता है देखते हैं। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है वो विभाव कहलाती है। ठीक है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। और विभाव के जो है दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और हम देखते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार, जिसके ऊपर भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर की गोपियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति है। ठीक है, सूर की गोपियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति है, यहाँ कृष्ण के ऊपर भाव का उत्पन्न होना अवलंबित हो रहा है। ठीक है, इसलिए कृष्ण जो है वो आलंबन विभाव है। अब देखते हैं दूसरा, उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो जो किसी भाव का उद्दीपन करे अर्थात तेजी दे, ठीक है, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, तो
तो जो किसी भाव का उद्दीपन करे, ठीक है, यानी कि तेजी दे किसी भाव को, तो वो उद्दीपन विभव कहलाता है। उदाहरण देखते हैं और समझ में आ जाएगा। कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं, कृष्ण जो है मुरली बजाकर जो है आकर्षित करते हैं। यहाँ मुरली जो है आकर्षित करने के भाव को तेजी दे रहा है, ठीक है, अतः मुरली जो है उद्दीपन विभव है। तीसरा है अनुभाव, ठीक है, तो आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है, ठीक है, फिर से सुनिए। आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। जैसे गुस्से में मुंह लाल होना, जैसे कि देखते हैं आप कहीं आप जो है जाते हैं या फिर कोई कुछ गलत हरकत करता है आपके सामने, तो आपके अंदर तुरंत एक उद्दीपन उत्पन्न होता है, ठीक है, आप गुस्से में हो जाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ ये परिभाषा बोल रही है कि आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न होने वाला भाव, ठीक है, तो वहाँ एक उद्दीपन उत्पन्न हुआ तो आपके अंदर एक भाव आया गुस्से का, ठीक है, जैसे गुस्से में मुंह लाल होना, दिल धड़कना, जैसे कि आप कुछ अचानक सडनली कोई चीज़ देख लेते हैं तो आपको आपका दिल जो है धड़कने लगता है, एक उद्दीपन तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो अगला है घृणा में नाक सिकुड़ना, तो ये भी है वैसे ही है कि आप कोई जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपके मन को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो आपके अंदर थोड़ा तुरंत उद्दीपन उत्पन्न होता है, छी ये क्या है, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आती है आपके अंदर, ठीक है। अगला है स्थाई संचारी भाव, ठीक है, तो संचारी भाव क्या होता है देखते हैं। संचारी भाव स्थाई भावों के सहायक होते हैं, ठीक है, तो हमने अभी सबसे पहला देखा था जो स्थाई भाव जिनसे जो है रस संबंधित है, ठीक है, नौ स्थाई भाव हैं और उनसे संबंधित नौ रस थे, ठीक है, तो संचारी भाव स्थाई भावों के सहायक होते हैं, ठीक है, तो वो जो नौ जो है संचारी भाव थे, ठीक है, जो नौ स्थायी भाव थे उनके सहायक कौन है, संचारी भाव हैं। भरत मुनि के अनुसार संचारी भाव पानी में उठने और आप ही विलीन होने वाले बुलबुले के समान हैं, ठीक है, संचारी भाव जो है भरत मुनि के अनुसार पानी में उठने और आप ही विलीन होने वाले बुलबुले के समान हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार हम देखते हैं कौन कौन से संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विविधौ शंका गारव अरु चिंता मोह विषाद, दैत्य असूया मृत्यु मद आलस श्रम उन्माद, आकृति गोपन चपलता अपसमार भय ग्लानि, और वृणा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग बखान, उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता भाय, व्याधि अमर्ष वितर्क स्मृतिये, ये 33 गणाए, ठीक है, तो ये 33 हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रस के भेद, यानी कि रस के नौ भेद हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि रस के जो है नौ भेद हैं, जैसे अभी हमने पहले बताया आपको, ठीक है, तो उनमें से पहला है श्रृंगार रस, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन का परिपक्व अवस्था जो होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है, फिर से देखते हैं परिभाषा। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है, तो हम पहला देखते हैं संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जो क्या होता है, यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है, ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका की संयोगावस्था, ठीक है, यानी कि मिलन का वर्णन होगा तो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है, तो इसमें मिलन यानी कि संयोग का वर्णन होता है तथा इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो संयोग श्रृंगार है उसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे वियोग श्रृंगार पे, ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होगा वहाँ क्या कौन सा श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार, ठीक है। अगला है करुण रस, ठीक है, तो करुण रस पे चर्चा करते हैं, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल।
किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार। किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सो, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है करुण रस का उदाहरण ये। ठीक है, तो कई बार एग्जांपल्स ऐसे आ जाएंगे आपको, उनमें आपको जो पहचानना होगा कौन सा रस है, तो ध्यान से पढ़िएगा और पहचानिएगा। ठीक है, परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अगला है अद्भुत रस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या है। आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं अद्भुत रस क्या होता है। आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को जो है अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है रौद्र रस की। ठीक है, तो अगला रस जो है रौद्र रस, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा को देखते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, अगला है वीर रस। ठीक है, तो वीर रस की परिभाषा क्या है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब, ठीक है, विभवदी भावों के संयोग से, ठीक है, परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वह वीर रस कहलाता है। ठीक है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभवदी भावों के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वह वीर रस कहलाता है। अब वीर रस भी होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर। ठीक है, तो हमको बस इतना ही जानना है, हमारे एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। अगला है हास्य रस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो परिभाषा आपको याद रहेगी तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे इससे संबंधित। तो देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था को हास्य रस कहते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हैं या फिर जैसे कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आप कोई एक्टर है उसकी विकृति या फिर जो है उसकी कुछ वेशभूषा देख के जो है आपके अंदर क्या होता है, एक हास्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसकी परिपक्वावस्था को क्या कहते हैं, हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने हास्य रस के आठ भेदों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो भरत मुनि थे जो, उन्होंने क्या कहा कि जो हास्य रस जो है ये आठ प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है स्मिति, दूसरा है हसित, तीसरा है विहसित, चौथा है उपहसित, पांचवा है अवहसित, छठवां है अति हसित और सातवां है आत्मस्थ। ठीक है, सातवां है आत्मस्थ और आठवां है परस्थ। ठीक है, अगला रस हमारा है सातवां भयानक रस। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक है, तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक है, अगला है विभत्स रस। तो विभत्स रस क्या होता है, जब किसी जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभवादी भाव के द्वारा परिपक्वावस्था में होता है तब वह विभत्स रस कहलाता है। ठीक है, तो जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जो होता है विभवादि भावों के द्वारा परिपक्वावस्था में होता है तब वह विभत्स रस कहलाता है। ठीक है,
आखिरी है शांत रस। ठीक है, तो शांत रस के बारे में जानते हैं। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है। ठीक है, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य प्राप्त होता है। ठीक है, यही अभिव्यक्त होकर ठीक है शांत रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, फिर से बार देखते हैं। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य हो जाता है, यही अभिव्यक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो ये शांत रस है। दूसरे शब्दों में अगर हम शांत रस को कहना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो निर्वेद परिपक्वावस्था को शांत रस कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं शांत रस? निर्वेद परिपक्वावस्था को शांत रस कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक पोयम बताऊंगा जिससे आपको नौ रस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोयम है। अद्भुत शांत विभत्स रस करुण हास्य श्रृंगार। ठीक है, तो अद्भुत शांत विभत्स रस करुण हास्य श्रृंगार और रौद्र भयानक वीर रस, ये नौ काव्य भंजार। इस कविता को याद कर लें, आपको नौ रस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से पढ़िए एक बार। अद्भुत शांत विभत्स रस करुण हास्य श्रृंगार रौद्र भयानक वीर रस, ये नौ काव्य मंझार। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अभी जो है छंद का वीडियो अपलोड करूँगा कुछ देर में, तो वो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें ताकि और भी ज़रूरतमंद लोग इससे लाभ ले सकें। थैंक यू।